प्रधानमंत्री मोदी की कार कितने सालों में बदल जाती है? क्या पीएम मोदी खुद अपनी पसंद की कार चुनते हैं? पीएम मोदी की कार का फैसला क्या एसपीजी करता? आपके सभी सवालों का जवाब देखिए अंदर की बात खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी की गाड़ियों के बेड़े में हाल ही में मर्सिडीज मैचबैच शामिल हुई है। इस कार ने काफी सुर्खियों बटोरी और इसका कारण था गाड़ी की कीमत। दरअसल कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की तरफ से पीएम की गाड़ी को बदलने के लिए 6 साल का अब मानदंड है। जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बाहर के देशों में होते हैं तो उनकी 12 करोड़ की बीएमडब्ल्यू कार का क्या होता है? इसका जवाब है पीएम मोदी के उड़ान भरने के एक हफ्ते पहले वहां के पीएम बोर्ड को अलर्ट करके वहां की सुरक्षा की तैयारी करना शुरू की जाती है और उड़ान भरने के एक घंटे पहले एयरपोर्ट के चारों तरफ नो फ्लाई जोन करके उड़ान भरा जाता है। और आपको बता दे कि पीएम मोदी की फ्लाइट किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होती और उस फ्लाइट में पीएम मोदी की सेफ्टी के लिए एसपीजी कमांडो के साथ साथ एनएसजी कमांडो भी तैनात होते हैं। पीएम मोदी के बीच इंडियन फोर्स के इंडियन आइडल जेट ब्लू होते हैं और ये फ्लाइट जेट की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और जहां तक बात है बीएमडब्ल्यू कार की, तो कहीं कहीं उन्हें फ्लाइट जेट में पीएम मोदी की कार को लार करके ले जाया जाता है। हालांकि कार में शामिल फीचर्स पीएम मोदी की जरूरत और सुविधा को देखते हुए शामिल किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।